जब मुझे आवाज़ सुनाई दी कि उन्होंने वो मेरे मम्मी पापा घुस चुके हैं, तो मैं वहाँ भग के गया। तो जैसे मैं पहुँचा, मेरे सामने ही मेरे पापा को गोली मारी, मेरी अम्मी को गोली मारी और पूरा परिवार था। फिर मैं साइड में खड़ा रहा, तमाम से देखता रहा। नूह जिले के नई गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में खूनी झड़प हो गई। इस खूनी झड़प में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं 40 वर्षीय अख्तर को गोली लगने से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं पीड़ित परिवार का कहना यह है कि परिवार के ही लोग थे और जमीन को बंटवारे को लेकर लगातार रंजिश चल रही थी। जब साहिल नाम का पीड़ित बजरी का ट्रैक्टर लेकर के गांव पहुंचा, तो उस वक्त दूसरी पार्टी के लोग हथियारों से लैस होकर उनके पास आए और अचानक उनके साथ मारपीट की गई। जब उन्होंने इनका विरोध किया, तो उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोली कांड में अख्तर नाम के एक शख्स को गोली लग जाती है, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं घायलों को आनन फानन में पुनाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है, जहां उनका इलाज होता है और उसके बाद उन्हें नल्लड़ हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। और ये उसको ज़बरदस्ती उसमें कब्जा करना चाहते थे। काफ़ी समय से हमारे वहाँ पहले बटेवड़ा भी रहा था, लकड़ी भी रहा करती थी, तो अब हम वहाँ उसकी बाउंड्री कर रहे थे, गेट लगा रहे थे। कल परसों में दो तीन दिन पहले ये नपी भी थी, तो वहाँ हम कर रहे थे। तो ये फिर आखिर ये गोली क्यों मारी, कैसे मारी? गोली इसीलिए मारी थी कि वो जमीन लेना चाहते थे, हम दे नहीं रहे थे, तो हम बाउंड्री कर रहे थे, हमारी है इसलिए वो। तो हम करेसल लेने के लिए गया था मैं सुबह ही, तो करेसल लेकर मैं आया था, तो मैंने करेसल खला दी और मैं ट्रैक्टर को घरे खड़े करने के लिए गया। तो जैसे ही मेरी मम्मी पापा को पता चला कि लड़का करेसल लेके आ गया, तो मैं वे आए वहाँ पर। तो जैसे वे आए थे, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जब मुझे आवाज़ सुनाई दी कि उन्होंने वो मेरे मम्मी पापा घुस चुके हैं, तो मैं वहाँ भग के गया। तो जैसे मैं पहुँचा, मेरे सामने ही मेरे पापा को गोली मारी, मेरी अम्मी को गोली मारी और पूरा परिवार था। सूचना मिली थी करीब 12 बजे के आसपास कि भाई नई गांव में गोली चल गई। उस पर हमने तुरंत प्रभाव से अपने SDO ड्यूटी पवन सब इंस्पेक्टर प्रोविजनर उनको स्टाफ के साथ भेज दिया। किस बात को लेकर हुआ? अभी जो सामने बात आई है, जो इन्होंने कंप्लेंट दी, उसके हिसाब से तो इनका ज़मीन का विवाद है। और ये बता भी रहे हैं कि भाई इनका पटवारी ने नापतोल भी कर दिया था गाँव वालों के सामने, और आज ये जो है मृतक है, इसका परिवार है, ये अपना नींव खोदना चाहते थे बोंगा बनाने के लिए। इस बात को लेके सुबह लेडीज़ में झगड़ा हुआ है। जो मैं मौके पे गया, जो लेडीज़ों ने मेरे बताया, सुबह सिर्फ लेडीज़ों का झगड़ा हुआ था, उसके बाद शांत हो गया, उसके बाद दोबारा इनका जेंट्स का हुआ है। मृतक का नाम है अख्तर। कौन की शिकायत पे सर मुकदमा है? ये साहिल है, अख्तर का पुत्र। कितने लोगों को चोट आई? इसमें अख्तर के लड़के को आई है, उसकी मिसिज को है, टोटल 4 लोगों को चोट आई है। उनके अख्तर की जो मिसिज है, उनको हाथ में गन शॉट फायर है, फायरिंग हुई है। हाँ, फायरिंग हुई है। ये हैं धारा हमने लगाई इसमें 323, 302, 148, 149, 25, 59 आर्म्ड है। कितने सर इसमें आरोपी? आरोपी इसमें 10 आरोपी इन्होंने बनाए हैं। नामजद है सर? हाँ बिल्कुल नामजद हैं। कौन कौन है? इसमें हैं नामजद हैं जी फारूक उर्फ बद्री, इरशाद, खालिद पुत्रान हसन मोहम्मद, हनीफ पुत्र सुमान खां, उमर मोहम्मद पुत्र हनीफ, अशफाक पुत्र रुजदार, अजरू पुत्र हनीफ, परमीना पत्नी इरशाद, जुबेद पत्नी फारूक, अनिशा पत्नी खालिदा, निवासियान गांव नई। ये इन लोगों के खिलाफ इन्होंने जो रिटर्न हमारे को कंप्लेंट दी, उसमें इन्होंने इनका जो है बाई नेम दिया है। देखिए अभी पोस्टमार्टम कराते हैं, उसके बाद टीम गठित करते हैं, CIA को बुलाएंगे। वैसे CIA निकली हुई है पहले से ही, SP साहब के आदेश हैं, DSP साहब खुद इसमें आगे चल चल के दिशा निर्देश दे रहे हैं, SP साहब से बराबर बात हो रही है, साहब भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, CIA निकली हुई है, और भी स्टाफ जो है SP साहब के आदेश से निकला हुआ है। लेकिन मैं खुद 2 बार जा चुका हूँ, घर पर कोई नहीं मिला, एक बुजुर्ग औरत है।